नमस्कार, आप देख रहे हैं CDTV24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। किसान का बेटा चढ़ा रैगिंग की भेंट, यूपी में मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगा है। तो एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के रूप में जाना जाता है। मामा बड़े मंचों से अपने भांजे भांजियों को लेकर बड़े बड़े वादे तो खूब करते हैं, किंतु एमपी के मामा का एक भांजा फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलता है, फिर भी उसके हत्यारों का पर्दाफाश करने में मामा द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज हम एक दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में उज्जैन संभाग व इंदौर संभाग तथा विभिन्न क्षेत्रवासियों को अच्छी तरह से जानकारी है। दर्दनाक घटना के विरोध में आम जनता ने विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाले हैं। सोशल मीडिया पर भी मामला चर्चित रहा और अभी भी समाज द्वारा न्याय की मांग की जा रही है, किंतु शासन प्रशासन अभी तक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। ये फिर कोई बड़ा राज जिसे छुपाया जा रहा है। जी हाँ, हम आप बात कर रहे हैं मौलाना के चेतन पाटीदार की। चेतन पाटीदार के पिता किसान हैं, जिन्होंने अपने बेटे चेतन पाटीदार के उज्ज्वल भविष्य हेतु पढ़ाई करने उसे इंदौर भेजा था, जहां से कुछ दिन पूर्व चेतन फांसी पर लटका हुआ मिलने की खबर सामने आई थी, जिसकी तस्वीर है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। लोगों ने व्यक्तिगत व विभिन्न संगठनों ने इस संघटना का खूब जमकर विरोध किया है, किंतु शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। चेतन के माता पिता पुत्र को खोने के दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं। बदनावर से राजेश चौहान की खास रिपोर्ट। चाहते हैं शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी सबसे यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उसको डीन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि डीन के कारण ही सब कुछ हुआ है। उसने डीन को बहुत प्रेशर से कहा कि मेरे को यहाँ से छूटना है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ने दिया वहाँ से। और उसने ऐसा बोला कि मरना है तो मर जा, लेकिन यहीं रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल अन्याय हुआ है। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो अब तो महिला प्रदर्शन करेगी और बहुत कार्रवाई करेगी। इस पर महिला शक्ति बहुत जागरूक हो चुकी है अब, इसलिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे भोपाल तक क्या और आगे भी जाने के लिए तैयार हैं। बेटा था और अगर एक किसान छोटे किसान के साथ ऐसा हुआ है तो किसान कैसे भेजेंगे? और कोई भी माँ नहीं चाहती कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा अन्याय हो। इतनी बड़ी रैगिंग का नाम बंद हो जाना चाहिए इस देश से। बहुत कॉलेजों में रैगिंग होती है, रैगिंग का नाम हट जाना चाहिए। रैगिंग क्या होती है? ये रैगिंग होना बहुत बेकार चीज़ है। हर बच्चे के साथ रैगिंग होती है, पर इतनी बड़ी रैगिंग नहीं होना चाहिए। अब रैगिंग नाम भी हट जाए तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम आगे तैयार हैं। आपने अपना बेटा खोया है, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेरा बच्चा कुछ ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता और उसको मारा है फिर लटकाया गया है। दोषी को तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। उसने हॉस्टल छोड़ने की बात कही थी, पर वहाँ के डीन ने उसको मना बोल दिया कि यहीं रहना पड़ेगा, पढ़ाई यहीं से होगी। उसको बस पढ़ना था इसलिए वो वहीं रहा। जब घटना घटित हुई तो आप मौके पर सबसे पहले गए थे, हाँ। क्या पाया और कैसा महसूस किया? जैसे ही मौके पर गए, गेट टूटा हुआ था और अंदर वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था घुटनों के बल, जो कि देखकर मुझे बड़ा लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर वहाँ पर देखा गया कि अंदर फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने जाँच करी। मैंने सवाल भी किया कि सर ये घुटनों के बल कैसे हुआ, तो उनकी तरफ से उल्टा जवाब ये था कि बच्चे तो नल से लटक के भी मर जाते हैं। उन्होंने दुर्व्यवहार से बात करी। फिर मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, फिर कुछ नहीं बोले। फिर टीम ने आके जांच करी, वहाँ पर फ़ोटो भी नहीं खींचने दिया गया था। फिर जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं, बच्चों से कुछ मैंने बोला सहपाठियों से बात करनी है, तो जब उनसे बात करने की कोशिश करी, कॉलेज आगे पीछे बच्चे सारे कि हम बात नहीं करने दे सकते, बच्चों को आके डरा गया कि आप बात ना करें,
नंबर ना दें अपने, आप अपनी जिम्मेदारी पे इनसे बात करें। फिर जब अगले दिन हम पोस्टमार्टम के लिए गए तो वहाँ पर हमने एक दिन रुके, हमें वीडियोग्राफिक पीएम के लिए जाना था क्योंकि हम उनसे नहीं थे। फिर अगले दिन जब वीडियोग्राफिक पीएम के लिए फॉरेंसिक टीम आई, पीएम हो गया, उसके बाद हमें कहा गया कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो हमने कहा कि सर आपको ये बात पहले बोले कि आधे में ख़त्म हो गई थी, सिर्फ आधी वीडियो बनी। हमने पुलिस से कहा कि ये आप आपके बयान में लिखे, बोले कि नहीं ये चीज़ हम बयान में नहीं लिख सकते। और कहीं ना कहीं वहाँ से मैटर पूरा रफा दफा करके हमें घर भेज दिया गया और अभी तक उस मामले में कोई भी जांच नहीं की जा रही है। डीन भी फरार है, दो आरोपी भी फरार है, उनका भी कोई पता नहीं है और कुल मिला के 8 से 10 आरोपी है जिसका अभी तक पुलिस नाम पता नहीं कर पाई है। आयुष पाटीदार। चेतन की मृत्यु हुई, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? कॉलेज से फोन आया तो बताया यार कुछ केस हो गया है, बच्चे ने कुछ कर लिया, मतलब इस तरह से क्लियर नहीं बताया कि मृत्यु हो चुकी है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो भी हत्या है सुसाइड है। उसके बाद जब कार्रवाई की बात होती है, कार्रवाई हमने सारी एफ आई आर वगैरह सब करवा दी, उसके बाद सिर्फ दो लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। डीन का नाम जब लिया जाता है तो बोले फरार है, अभी जाँच चल रही है, ढूंढा जा रहा है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलपनियाँ नज़र आ रही हैं। फिर जब मोबाइल खुलवाने की बात हो रही थी, मोबाइल अभी परसों के बाद में दिया है, तो बोले सर हमने अब दिया है खुलवाने, तो 8 से 10 दिन बाद मोबाइल खुलवाने की बात कर रहे हैं, लॉक खुलवाने की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी टाइम पे जब्त नहीं किया, उसमें भी एक गति भी चल रही थी। तो डीन फरार है तो इतना फरार है कि पुलिस के हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचती। सबसे बड़ा सवाल ये, कोई ना कोई तो पीछे से बचाव पे लगा हुआ है, इसका तो कोई संशय नहीं। मतलब कुल मिला के बात यही आ रही है कि वो घुमा फिरा के मामला वहीं रफा दफा करना चाहते हैं। और कॉलेज में पहले भी सुनने में आई कई घटनाएं इस तरह से हुई है जो कि आज तक सुनवाई नहीं हो पाई है, और ये भी एक ऐसा ही केस है जो वो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका नाम? मेरा नाम नीलेश पटेल।